वो रियल लाइफ का हीरो है, वो पैरों से दिव्यांग है लेकिन हौसलों से चट्टान, जिसके इरादे फौलादी हैं, जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान का मस्तक ऊंचा किया है बल्कि जिंदगी से हारे हजारों लाखों लोगों के लिए एक मिसाल है वो, और वो है चंबल का लाल, नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया। मध्य प्रदेश के रहने वाले इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह की कामयाबी की कहानी आज पूरी दुनिया में गूंज रही है। जमीन से लेकर समंदर तक हर कोई इस हीरो को सलाम कर रहा है। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। इस उपलब्धि से उन्होंने न सिर्फ मध्य प्रदेश का बल्कि पूरे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने आयरलैंड में नॉर्थ चैनल को पार कर इतिहास रचा है। सत्येंद्र सिंह ने 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को 14 घंटे 39 मिनट में पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। हाड़ जमाने वाले बर्फीले पानी में 14 घंटे तक तैराकी करना सोचना तो दूर, बेहद मुश्किल है। यकीन मानिए, किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन सत्येंद्र के जुनून और हौसलों के आगे ये कुछ भी नहीं था। सत्येंद्र सिंह दोनों पैरों से 70% दिव्यांग हैं। 20 सितंबर को नॉर्दर्न आयरलैंड में अपनी टीम के दूसरे 3 साथियों के साथ मिलकर नॉर्थ चैनल को पार करके उन्होंने ये कामयाबी हासिल की है। दुनिया के जितने भी चैनल हैं उनमें से नॉर्थ चैनल सबसे ठंडा है। यहाँ लगभग 12 डिग्री का तापमान रहता है, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। सत्येंद्र ने अपनी टीम के साथ अरब सागर में धर्मतर जेटी से गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई तक 36 किलोमीटर की दूरी तैर कर 10 घंटे 3 मिनट में तय की थी। इसके लिए उन्हें महाराष्ट्र स्विमिंग एसोसिएशन की तरफ से सम्मानित भी किया गया था। भिंड के इस पैरा स्विमर के नाम उपलब्धियां और सफलता का लंबा सफर है। सत्येंद्र सिंह ने 2009 में कोलकाता में नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप में पहली बार ब्रॉन्ज जीता था। बस यहीं से उनकी कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नेशनल पैरालंपिक में एक के बाद एक 24 गोल्ड मेडल जीते सत्येंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैरालंपिक तैराक चैंपियनशिप में एक गोल्ड के साथ 3 मेडल हासिल किए हैं। 2014 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें विक्रम अवार्ड से नवाजा। सत्येंद्र को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर 2019 को सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी पुरस्कार और 2020 में तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि ये पुरस्कार पहली बार किसी दिव्यांग पैरा तैराक खिलाड़ी को दिया गया है। प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान से लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया की तारीफ कर चुके हैं। एक ऐसा हीरो जिसने दिव्यांग होते हुए भी कभी हार नहीं मानी, इलाज कराने स्विमिंग पूल में कूदा और अपने संघर्ष से बन गया इंटरनेशनल स्विमर, तैराकी की दुनिया का सिकंदर।